नाटू नाटू ऑस्कर जीतने के बाद इंडिया के लोग बहुत खुश है। इसी बीच सोशल मीडिया पर ऑस्कर के डॉल्बी थिएटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरआरआर की टीम सबसे पीछे बैठी है। यह देखकर फैंस काफी गुस्से में है। इस साल के ऑस्कर 2023 में भारतीय फिल्मों ने इतिहास रचा है। ऑस्कर 2023 में भारत को 2 एकेडमी पुरस्कार मिले हैं। इंडिया के मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया है और द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस बीच RRR की टीम और राजामौली जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जब RRR के नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है तो SS राजामौली और पूरी टीम खुशी से जोर जोर से चीखने लगती है और सभी सेलिब्रेशन करने लगते है, एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। इस बीच फैंस ने नोटिस किया कि RRR की टीम डॉल्बी थिएटर के आखिरी सीटों पर बैठी है। RRR की टीम को पीछे की सीटों पर देखकर भारतीय फैंस काफी गुस्से में है और काफी का मानना है कि ये उनका अपमान है। और वायरल हो रहे इस वीडियो के वजह से ट्विटर पर काफी फैंस ने एकेडमी से पूछा है ये RRR की टीम का अपमान है, उन्हें पीछे क्यों बैठा है? जब आप लोग जानते हैं कि वो जीतने वाले हैं तो उन्हें पीछे कैसे बैठा सकते हो? जानकारी के लिए बता दूं लेकिन RRR के म्यूजिशियन MM केरवानी और गीतकार चंद्र बोस स्टेज के पास ही बैठे थे। इन दोनों ने अवार्ड रिसीव किया और नाटो नाटो और द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिलने के बाद हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और कई सेलिब्रिटीज ने RRR को बधाई भी दी है।